प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण पढ़ा था कि रैखिक समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2=0। ये हमारे समीकरण हो गए रैखिक समीकरण। तो इसको रैखिक समीकरण क्यों बोला, मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, और इन दोनों का घात कितना है, एक है, इसीलिए रैखिक समीकरण हो गए। ये एक्स वाई पेयर में आ रहे हैं, मतलब समीकरण नंबर एक ये हो गया, समीकरण नंबर दो ये हो गया, तो ये रैखिक समीकरण युग्म हो गया। इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इसको बोला गया। फिर ये थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि ये भी बताया था पिछले वाले वीडियो में कि इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम ये कैसे निकालेंगे कि इसके अनेक हल होंगे कि अद्वितीय हल होंगे कि अनंत हल होंगे। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू, कंडीशन हमारी क्या थी, b2=, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, मतलब केवल एक सलूशन होगा, कोई एक हल होगा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या था, a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2, ये क्या हो जाएगा, इसके अनेक हल हो जाएंगे। अभी इस पे सवाल भी लगाते हैं कि कैसे अनेक हल होंगे, कैसे अद्वितीय हल होंगे और कैसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तीसरा कंडीशन क्या था, क्योंकि आपको कंडीशन पता रहेगी तभी आप सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो ऐसे इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि अद्वितीय हल होंगे कि होंगे कि नहीं होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछ सकता है एक नंबर में, तो आपको कंडीशन पता रहेगी तभी होंगे। तो थोड़ा सा कंडीशन पता कर लीजिए, a2 upon a1 = b1 upon b2 = c1 upon c2, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारी तीन कंडीशन थी कि इसका अद्वितीय हल कब होगा, अनेक हल कब होंगे और कोई हल नहीं होगा, इसको असंगत भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी सारी कंडीशन हो गई हमारी। आइए कुछ सवाल करते हैं इस पे। हमारा इक्वेशन है 5x, क्वेश्चन नंबर एक, 5x - 4y + 8=0। दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9=0। इसको समीकरण नंबर एक कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर दो कर दीजिए। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो समीकरण है ये असंगत है कि संगत है, तो आपको एक बताना पड़ेगा कि असंगत है कि संगत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के पहले मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे a1 क्या हो जाएगा, 5, b1 क्या हो जाएगा, -4, c1 क्या हो जाएगा, 8, a2 क्या हो जाएगा हमारा, 7, B2 हमारा क्या हो जाएगा, 6, C2 हमारा क्या हो जाएगा, 9, -9। ठीक, अब हमने हमारी तीनों कंडीशन लगाते हैं, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो कंडीशन पहले लगाते हैं, a1 upon a2 = b1 upon b2। ठीक है, इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा नीचे, तो यहां पे सॉल्व, तो a1 की वैल्यू क्या है, 5/7 = b1 upon b2, तो -4/6 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 5/7 - 2/3। तो क्या 5/7 = -2/3 है कि नहीं है, है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएंगे। ठीक, तो कंडीशन पता चल गया, सवाल कैसे लगाएंगे, अगर
अगर सपोज करिए कि ये भी हमारा 2/3 होता, -2/3, तो -2/3 होता, ये भी -2/3 होता, तो हम आगे चेक करते C1/C2, ठीक है। तो आगे इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, इसलिए x क्या हो जाएंगे, अद्वितीय हल हो जाएगा। आया समझ में? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9x+3y+12=0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 18x+6y+24=0, समीकरण नंबर 2। अब इसमें भी यही काम करना है कि बताना है कि संगत है कि असंगत है कि अनेक हल है, सारी चीजें हैं। तो कुछ नहीं, सेम काम, A1 A2 की वैल्यू निकाल लीजिए। A1=9, B1=3, C1=12, A2=18, B2=6 और C2=24, ठीक है। पहले तो अद्वितीय हल देख लेते हैं। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इक्वल टू लगा के देख लेते हैं, बराबर होगा तो आगे चेक करेंगे, नहीं बराबर होगा तो कंडीशन यही हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो A1/A2 कितना है, 9/18 इक्वल टू B1/B2 3/6, ये कट जाएगा 1, ये दो बार में जाएगा, 9×9, 9×2=18, 3×3, 3×2=6। तो इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2। अब हम आगे चेक करेंगे C1/C2 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/24, ठीक है। इसको और छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, 12/24 को, इसको हो जाएगा 1/2। अब देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनेक हल। अनेक हल की कंडीशन क्या थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये अनेक हल के कंडीशन थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का हल क्या हो जाएगा, अनेक हल है इसके। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, जो हाई स्कूल का जो पेपर होता है एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा, ऐसे इक्वेशन दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि अनेक हल हैं कि अद्वितीय हल हैं कि कोई हल नहीं है कि इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा टिक कर दीजिएगा। ये तो मैंने आपका ऐसे बता दिया A1 A2 लिखने के लिए, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख के, इसको जरूरत नहीं है इसको लिखने की, आपको देख के ही पता चल जाएगा A1 A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, तब मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, x+y=5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरा है 2x+2y=10, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में, x+y-5=0, इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, 2x+2y -10=0, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब A1/A2 नहीं लिख रहे कि A1 कितना होगा, B1 का डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1/2 इक्वल टू B1/B2 1/2, मतलब A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर है। आगे चलते हैं C1/C2,
इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू क्या हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन, माइनस माइनस से कैंसिल, इसको पाँच करने पाँच, पाँच दूना दस, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किससे, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, ये जब बराबर होता है तो कौन सी कंडीशन आती है, मतलब इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, आ गई समझ में। एक चीज और, इस अनेक हल को कहीं कहीं आपको दे देगा एग्जामिनर कि इसके अनेक हल है, कहीं कहीं आपको देगा संपाती, ये संपाती टर्म याद रखिएगा, संपाती का मतलब होता है कि वह समीकरण जिसके अनेक हल हो, तो ये हमारा समीकरण कैसा है, संपाती समीकरण है, मतलब इसके अनेक हल है। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने क्या किया था कि दो लीनियर इक्वेशन दे दिया था, उस लीनियर इक्वेशन की सहायता से हम ये पता कर रहे थे कि वो समीकरण के सोल्यूशन कैसे होंगे, ये तो हमारा बीजगणितीय विद था।